नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट नौकरी चैनल में। बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और ताजा खबर के बारे में। मुंबई में लोकल ट्रेन में फर्जी आईडी कार्ड एक समय बड़ी मुसीबत बनी हुई है। जी हां, और इसके पीछे वजह बताई जा रही है सरकार के द्वारा अनुमति न मिलने की। जी हां दोस्तों, ड्रॉप इन नंबर ऑफ कम्यूटर्स यूजिंग फेक आइडेंटिटी कार्ड्स इन मुंबई लोकल ट्रेन। लगातार इस समय मुंबई में लोकल ट्रेन में जो सफर कर रहे हैं उसमें फर्जी आईडी कार्ड के मामले सामने निकल के आ रहे हैं। जनता का कहना है कि आखिरकार सरकार अभी तक उन्हें अनुमति नहीं दी है, जबकि सब कुछ शुरू हो चुका है। चाहे वो कारखाने हो, चाहे वो कंपनियां हो, चाहे आप रेस्टोरेंट्स हो, होटल हो, दुकानें हो, तमाम चीज़ें खुलने के बाद आखिरकार लोग अपने काम पर कैसे लौटे। तो लोग जो है मजबूरी में जो है बिना टिकट्स के, और कुछ लोग फर्जी आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके लोकल के टिकट्स ले रहे हैं और जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आम जनता भी परेशान है, और आम जनता की माने तो यहाँ पर पूरी तरह से गलती सरकार की बताई जा रही है। लेकिन सरकार का कहना है कि कोविड की सुरक्षा को देखते हुए, यानी कोविड के मद्देनज़र उन्होंने ये कड़ा फैसला लिया है, जिसकी वजह से वो अभी तक अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो फिलहाल सूत्रों के अनुसार जो जानकारी अभी तक मिल रही है, अपडेट मिल रही है, उसमें बताया जा रहा है कि आने वाले जी हाँ नए महीने से, यानी कि 1 अक्टूबर से आम जनता को लोकल में अनुमति दी जा सकती है। तो गाइस, क्या लगता है आपको ये कहानी, यानी कि जो बताई जा रही है कि 1 अक्टूबर से लोकल शुरू हो सकती है, इसमें सच्चाई है, या फिर ये भी जैसे पिछले महीने 1 तारीख से शुरू हो रहा था उसके पिछले महीने फिर ऐसे ही चलता रहेगा? तो फिलहाल अभी फिलहाल इन बातों को 1 अक्टूबर तक ही जो है सोचना है, क्योंकि 1 अक्टूबर से उम्मीद जताई जा रही है कि लोकल में पीक आवर्स के अलावा बाकी समय अनुमति दी जाएगी और टिकट्स की सुविधा भी इस बार मिलेगी आम जनता को।